तीसरी एक्सरसाइज है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बस इसी के बेस क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले आता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। आप लोग समझ लो कि जितने भी नंबर हैं वर्ल्ड में उनके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि एफ का मतलब फैक्टर, फैक्टर थ्योरम। तो अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में एफ का मतलब फंडामेंटल है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग है फैक्टर, जिसको कहते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज आपको 140 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो फंडामेंटल क्या कहते हैं कि आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बनाने, लेफ्ट हैंड साइड में प्राइम, राइट हैंड साइड में उसका मल्टीप्लिकेशन। 2 पहले प्राइम नंबर है क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। पहले चैप्टर करना, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रहा है, वर्ल्ड में जितने भी नंबर हैं सबके फैक्टर प्राइम नंबर है, और वो फैक्टर आप किसी भी तरीके से लिखो, तरीके का मतलब मैं बता देता हूँ अभी, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा वही नंबर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 6, तो 2 × 3 लिखा 6 आ गया, 6 को आप 3 × 2 लिखोगे तो भी 6 आएगा। तो आप छोटे से बड़ा लिखो या बड़े से छोटा प्राइम नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ गौरव बोलो बेटा। हाँ रिज्वाइन कर रहा दिया बच्चों को, कर रहे हैं पढ़ रहे हैं। हाँ होना है सब बोल दो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप ऑर्डर कैसे भी लिखो, लेकिन 2 × 3 = 6 ही आएगा, 3 × 2 = 6 ही आएगा। जैसे मैंने 12 का लिखा 2 × 2 × 3, या 12 का हम ऐसे 2 × 3 × 2 भी लिख सकते हैं, या 3 × 2 × 2। आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो यही आएगा और आंसर भी और नंबर भी यही होंगे, सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए होंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम बोल रहा है जितने भी नंबर वर्ल्ड में हैं सब के फैक्टर प्राइम नंबर हैं। यू कैन राइट इन एनी वे, किसी भी तरीके से लिखो, बट द प्रोडक्ट इज ओनली द सिंगल नंबर, उसका जो आंसर वो सिंगल नंबर ही देगा। एक मिनट कौन है, हेलो हाँ जी आप कौन बोल रहे हैं। हाँ 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 सॉरी हाँ आनंद जी बोलिए बोलिए। अच्छा वो मुझे हुई नहीं है, ओके चलो मैं उनसे बात कर देता हूँ, फिर कल कल मैं फिर आपको उनसे करवा देता हूँ इसे, है ठीक। तो ये आपका आ गया ये था। तो इसके हम क्या करेंगे, इसमें से प्राइम नंबर ढूंढेंगे कौन से। 140 को पहले हमने इवन नंबर 2 से डिवाइड किया, 270s है, और आपको पता है ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है, उसका सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। इसके अलावा ये जो नंबर है ये कंपोजिट है, तो इसके आगे फैक्टर बनेंगे। तो इसके लिए पहले देखो इवन है तो 2 से डिवाइड करना है, 235 से। अब आपको पता है ये नंबर कंपोजिट है लेकिन ऑड नंबर है, तो आप 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आपका नंबर आएगा 3, 5, तो आपको पता है ये 3 से नहीं जाता क्योंकि इसका सम 3 + 5 = 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए आप 5 से ट्राई करोगे, 5, 7 जाओ। क्वेश्चन आता है ये कहां स्टॉप होगा, जब यहाँ राइट हैंड साइड में प्राइम नंबर आ जाएगा वहीं स्टॉप हो जाए, जब तक राइट हैंड साइड में कंपोजिट नंबर आते जाएंगे तब तक वो फैक्टर बनाते रहेंगे। जैसे राइट हैंड साइड में प्राइम नंबर आ गया वहीं ये स्टॉप हो गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर है 140 के 2² 5 × 7, ये इसका आ गया। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किस तरह से डिस्कस होता है, बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, ये नंबर गायब कर देते, बोलते फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको पता है कि ये नंबर ढूंढना है, या तो आप इन दोनों इंटू कर दो या जाएगा, या 140 में से 2 डिवाइड। सर आवाज कट रही है, थोड़ी नहीं आ रही सही तरीके से। नहीं आ रही आवाज, फिर से लगा देते हैं, कोई बात नहीं। सर पास में आ रहे हैं तो आ रही है, दूर जा रहे हैं तो थोड़ी कट के आ रही है। ओके आपकी बात सही है, देखो मैं पास में ही रहता हूँ, दूर नहीं जाऊंगा। देखो कभी भी एग्जाम में होता है ये नंबर ढूंढना है, तो इसके लिए या तो 140 को 2 से डिवाइड करो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकालो, या आपको ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला नंबर गायब है तो आप इसको कैसे ढूंढोगे। तो आपको पता है ये नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसको 7 से डिवाइड करते ये मिल जाएगा, तो ये आपका है। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आपको एग्जाम में पूछेंगे।
अब दूसरा आता है कि और कैसे क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम से पूछेंगे, उसमें एक तो क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन, 1 मार्क क्वेश्चन, इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन बताओ। तो आपको पता है डेफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम की पता है, क्या लिखेंगे, एवरी नंबर कैन बी फैक्टराइज इन ए प्राइम नंबर, यू कैन वी कैन राइट इन एनी वे इन एनी ऑर्डर बट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम नंबर। बस इतना अपने वर्ड में डाल दो, ऐसा नहीं कि बुक की लैंग्वेज लिखना है, आपको सिर्फ उसका मतलब समझ में आना चाहिए और आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। सर फिर से रिपीट करना एक बार। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब है एवरी रियल नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर्स, वी कैन राइट इन एनी वे मींस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर बट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम, यानी उसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमेशा सेम नंबर आएगा। ठीक है, समझ आया कृष्णन? कृष्णा एवरी नंबर कैन बी, अपने वर्ड्स में लिखो, इसमें क्या 1 मार्कर क्वेश्चन है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके मतलब क्लियर होना चाहिए, ये बोलना क्या चाह रहा है। अब देखो इसके बाद आ गया एल्गोरिथम आंसर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो बेटा कोर्स से हट गया है इसलिए अब उसके पीछे मत जाओ, वो भी है क्या आंसर, वो नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा, कहीं एग्जाम में भी नहीं पूछ सकते वो लोग, क्योंकि डिलीट कर दिया। और इसके पीछे अभी मत पढ़ो, एक बार कोर्स खत्म हो जाए तो जो डिलीटेड कोर्स है वो भी मैं कराऊंगा तुम्हें, जिससे तुम लोग अपने आगे की क्लास में कहीं प्रॉब्लम्स ना पड़े तुम्हें, अभी नहीं कराऊंगा, अभी एक बार कोर्स खत्म होने दो पहले। ये देखो सेकेंड इसका क्वेश्चन आता है, 7 × 3 × 5 + 5 इज कंपोजिट नंबर, ये आपका कंपोजिट नंबर है, ये प्रूफ करो। तो आपको 7 × 3 × 5 + 5 इज ए कंपोजिट नंबर, इसको कंपोजिट प्रूफ करने के लिए पहले क्या करना है, आप इन दोनों में से कॉमन नंबर निकालो, दोनों में 5 कॉमन आ गया, देखो ये नंबर और ये नंबर है, इसमें दोनों में 5, यहाँ कुछ नहीं तो × 1 लिख सकते हैं ब्रैकेट। अब यहाँ बचा 7 × 3 = 21 प्लस 5 कॉमन लिया 1 बचा, 5 × 22 आ गया, और 22 का अगर प्राइम करते हो तो ठीक है, 5 × 2 × 11। अच्छा बताओ इसमें कितने प्राइम नंबर आप यूज कर रहे हो, 3, पूरे नंबर में 3 प्राइम नंबर आ रहे हैं। अगर आपका एक से ज्यादा प्राइम नंबर आ रहा है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक से ज्यादा प्राइम नंबर आना, तो इसमें एक से ज्यादा प्राइम नंबर हम यूज कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज, हम लिखें बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट कंटेन मोर देन 1 प्राइम नंबर, एक से ज्यादा प्राइम नंबर कंटेन कर रहा है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट, इज कंपोजिट, ये कंपोजिट है। जैसे फॉर एग्जांपल 169 है, 13 × 13 इसमें कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 169 के अंदर, 2, दो आ रहे हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम बोलता है अगर एक से ज्यादा प्राइम नंबर आएंगे तो कंपोजिट होगा, इसलिए 169 कंपोजिट नंबर। सर आपने लास्ट में क्या बोला सर, 5 × 22 के बाद, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी नंबर है उसके जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स वो एक से ज्यादा हैं, देखो इसमें एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, अगर एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो कंपोजिट, जैसे इसमें भी देखो यहां तक सर अगर एक आए तो वो प्राइम होगा ना, देखो अगर दो नंबर आ गए तो ये साफ है कि अगर एक से ज्यादा प्राइम नंबर आ रहे हैं तो वो आपका कंपोजिट हो जाए, 22 प्राइम नहीं है लेकिन आप उसको ब्रेक करके प्राइम बना सकते हो, तो एक से ज्यादा प्राइम नंबर आ रहे हैं इसलिए कंपोजिट है, इसमें 13 × 13 दो प्राइम नंबर आ रहे हैं इसलिए कंपोजिट है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 13 तो 13 में सिर्फ 13 ही आता है, तो फंडामेंटल थ्योरम बोल रहा है अगर एक ही प्राइम नंबर आ रहा है तो वो प्राइम नंबर है, लेकिन एक से ज्यादा प्राइम नंबर उसके मल्टीपल्स में आ रहे हैं तो वो आपका कंपोजिट हो जाए। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को, सर मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ही आएगा प्रूव दैट दिस नंबर इज कंपोजिट, 7 × 3 × 5 + 5 इज कंपोजिट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओगे, अगर एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स उसमें आ रहे हैं प्राइम नंबर्स आ रहे हैं तो कंपोजिट, सिंगल प्राइम नंबर आ रहा है तो प्राइम नंबर, मेरी बात समझ में आ रही है,
आप क्या बोल रहे हो? कितने मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन? ये बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं आएंगे एक्चुअली। ये क्वेश्चन की रेंज है, कैसे 2 मार्क का, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सर अगर पिछली बार का पेपर होता आप एक बार मेरे को अगर होगा तो आप डिस्कस करवा देना। तुम कहाँ चली जाते हो, 2 मार्क का कैसे पूछते हैं? पहले तो ये कि आपने ये जो नंबर लिखे इसके प्राइम फैक्टर्स प्रॉपर बनाए कि नहीं, ये बना दिए। फिर आप उसको प्रूफ कैसे कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम से प्रूफ कर रहे हैं और उसमें रीजन सही बता रहे हैं कि नहीं, इसका 1 मार्क, इसलिए 2 मार्क्स का है। ये 1 मार्क का नहीं क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के भी 2 पार्ट्स हैं। जैसे अभी इससे पहले हमने जो फैक्टर ट्री बनाया था वो 1 ही मार्क का है, क्योंकि उसमें हमें डिसाइड ही नहीं करना, हमें सिर्फ नंबर ढूंढना था और कुछ बताना नहीं था। इसी तरह से ये देखो नंबर है, जैसे आप क्वेश्चन है आपको जो तुम विधि पूछ रहे हो वो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसा कि आपको 6 है, ये आपका जो नंबर है इसको अगर मैं ओपन करूं तो डज नॉट एंड विथ 0, यानी इसमें 0 नहीं आएगा। डज नॉट मतलब ये इसके एंड में 0 नहीं आएगा, ये एंड का मतलब यूनिट प्लेस। अगर 6n के हम ओपन करें तो इसके यूनिट प्लेस और कभी भी 0 नहीं आएगा, उसका रीजन बताओ। ये भी 2 मार्कर है, तो हम सोचते हैं क्यों नहीं आएगा। तो क्वेश्चन मार्क किया पहले 6:1, हमने 1 से नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया 6 आ रहा है, 2 किया 6 × 6 36 आ रहा है, 3 किया 6 × 6 × 6 216 आ रहा है। तो हर बार जो यूनिट प्लेस है या एंड है आ रहा है वो 6 आ रहा है, 0 क्यों नहीं आ रहा है? तो हमने फिर देखा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 6n के फैक्टर हैं 2n × 3n, या तो 2 के फैक्टर है या 3 के फैक्टर है। और 0 के लिए क्या होता है कि प्राइम नंबर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर में 10 से इंटू करो कोई भी नंबर को तो हमेशा 0 एंड में आता है, और 10 लाने के लिए आपको 2 और 5 दोनों चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है, 3 आ रहा है उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 2 के साथ 5 आना चाहिए या 5 के साथ 2 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम तो ये बोल रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 है, बट इट डज नॉट कंटेन 5, ये 5 तो कंटेन ही नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट डज नॉट एंड विद 0। मेरी बात समझ में आई बच्चों? सर हाँ बोलो सर, 5 और 2 के अलावा भी कोई एक फैक्टर हो तो भी 0 सेंड हो सकता है ना? होगा 0, क्योंकि देखो 2 5 10 10 को 3 से इंटू के 30 है, 30 का मतलब पीछे 0 तो आ ही रहा है ना तुम्हारा। 0 लाने के लिए 2 5 चाहिए, भले कोई भी प्राइम नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो जैसे अभी मैंने लिखा 5n, 5n डज नॉट एंड विद 0, तो हमने देखा इसका रीजन क्या है। पहले 5:1 देखा 5 आ रहा है, 5:2 देखा 25 आ रहा है, 5:3 125, तो फिर फंडामेंटल थ्योरम से इसका प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। 5n का फैक्टर सिर्फ 5n ही है क्योंकि प्राइम नंबर है, तो इसमें कौन सा नंबर नहीं आ रहा जिसके कारण ये 0 नहीं दे रहा है? कौन से कारण ये 0 नहीं दे रहा है? 2, because it does not contain 2, क्योंकि 5 है तो 2 होना चाहिए, 2 है तो 5 होना चाहिए, तो it does not contain 2, therefore it does not end with 0। बस ये आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिक क्वेश्चन है। अब इसके बाद आता है HCF एंड LCM फंडामेंटल थ्योरम से। आपके पास 2 नंबर है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर है, जैसे आपके पास है 150, 200, 225, ये नंबर्स नहीं है, बोला इसका आप HCF निकालो। अब हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं। तो हमने देखा 150 के प्राइम फैक्टर्स बनाए फैक्टर ट्री से, 275, 3 से किया 325, 5 5, तो 150 के प्राइम फैक्टर आ रहे 2 × 3 × 5 स्क्वायर। फिर 200 के निकाले सेम वे से, 200 के प्राइम 200s आ, 250s आ, 225s, 25 5 5s, तो यहाँ आ रहे हैं 2 का स्क्वायर × 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर आ रहा है। फिर हमने देखा 225,
सेम से 225 निकाला, ये तो सीधा 3 से 3 75, 325, 5 5, तो ये 3 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। फंडामेंटल थ्योरम से प्राइम फैक्टर निकाले। अब आता है HCF। HCF में एक मेन चीज है कॉमन, कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है? तो देखा, देखो टू इस इन दोनों में इसमें नहीं आ रहा तो ये तो कॉमन नहीं है, थ्री इसमें आ रहा है लेकिन बीच में है, तो थ्री भी कॉमन प्राइम नंबर है, थ्री को भी हटा दिया। अब कॉमन प्राइम नंबर फाइव आ रहा है, ये तो फिक्स हो गया प्राइम नंबर फाइव है, लेकिन इसमें आपकी जो फाइव की कॉमन पावर कौन सी है जो सबसे छोटी है फाइव में, तो सभी में फाइव रेस टू टू कॉमन आ रहा है, तो ये आपका फाइव स्क्वायर कॉमन आ गया, यानी आपका जो 25 है। तीन नंबर का एचसीएफ निकालना है ना बेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तीनों में जो कॉमन प्राइम नंबर वो लिखो, मान लो एक भी प्राइम कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या एचसीएफ आएगा बता सकते हो कोई? अगर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आया तो क्या एचसीएफ आएगा? वेरी गुड, वन इज द एचसीएफ। ध्यान रखना एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि आपको दिख रहा है एक भी प्राइम कॉमन नहीं है, तो आप सीधा वन लिख दो, वन इज द एचसीएफ। हां अब एलसीएफ सर एक डाउट था, बोलो सर, एचसीएफ में लो मतलब एचसीएफ में लोएस्ट का देखते हैं और एलसीएफ में हाईएस्ट फैक्टर का देखते हैं ना? बिल्कुल, देखो एलसीएफ का मतलब क्या होता है, ये जो एलसीएफ मतलब कॉमन, इसका मतलब मल्टीपल, इसमें सारे नंबर हमें चाहिए तो सारे प्राइम नंबर हम लेंगे भले वो कॉमन है या नहीं। तो हमने देखा टू भी आ रहा है, थ्री भी आ रहा है, फाइव भी आ रहा है, दो टू थ्री फाइव और कोई प्राइम नंबर नहीं आता तो उसको छोड़ दिया। अब टू की सब में से हाईएस्ट पावर कौन सी, थ्री आती है, तो टू रेस टू थ्री हमने हाईएस्ट लेना है, और थ्री की हाईएस्ट पावर थ्री स्क्वायर आ रहा है, थ्री स्क्वायर ले लिया, फाइव की हाईएस्ट पावर फाइव स्क्वायर, तीनों में तीनों को एड नहीं करना है, सबसे हाईएस्ट फाइव की पावर क्या है टू, टू की हाईएस्ट पावर तीनों में क्यूब है और थ्री की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। अब इधर लिखा 8, 9, 25, 72 into 25, 55, 25, 7, 175 plus 5, 180, 1800 इसका एलसीएम हो गया इन तीनों नंबर पर। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट किसी को? देखो अब हाँ बोलो सर, डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी तरीका ऑप्शन है। अरे थैंक यू, थैंक्स। अभी इसलिए दे दो, अभी तो व्हाट्सएप पहले आप पढ़ाया अंत में पढ़ी रही है। अच्छा हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो विधि, क्या डाउट है तुम्हारा? सर मेरा तो कोई डाउट नहीं है, मैं तो ऐसे बोल रही थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, एचसीएफ में लोएस्ट का देखते और एलसीएम में हाईएस्ट का देखते ना पावर में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आता है कि एचसीएम ढूंढना है या एलसीएम ढूंढना है, आपको ये डिसाइड करना है। जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है मेरा कि मान लो आपके स्कूल में जो बेल बजती है, या आपने देखो पुलिस ट्रैफिक में आपके तीन लाइट्स होती हैं, एक ग्रीन, येलो और रेड, आपने देखा कि नहीं देखा कभी ट्रैफिक पुलिस में लाइट्स को? यस सर। अब उनके जो वो जो लाइट्स हैं, वो लाइट्स के जो रोटेशन है, उन्होंने एक टाइम सेटअप किया है कि जो येलो लाइट होगी वो हर 10 सेकंड के बाद ओपन होगी, 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड के बाद ओपन होगी, बंद हो गए, बंद के लिए टाइमिंग उन्होंने एक सेकंड रखा होगा, जो भी रखा, और जो ये है येलो का, ग्रीन के लिए रखा उन्होंने 15 सेकंड और ग्रीन के लिए, और रेड के लिए रखा 20 सेकंड्स। अब तीनों लाइट जब मॉर्निंग होता है तो तीनों लाइट एक साथ बंद होती है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जैसे स्टार्ट करते हैं तीनों लाइट एक साथ चालू हो जाती है, फिर उसके बाद येलो चालू रहती है बाकी दो बंद, फिर उसके बाद ये येलो और जो अपनी लास्ट रेड है वो बंद हो जाती है, ये रेड वाली,
फिर ग्रीन चालू रहती है, फिर येलो ग्रीन बंद होती है, रेड चालू हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसे सर बंद चालू होता है ना, बंद चालू होती रहती है टाइम के बाद तीनों फिर से एक साथ चालू हो जाएंगे, कौन सा ऐसा टाइम? एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम। एलसीएम क्यों, क्वेश्चन मार्क क्यों? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वापस समझाना। क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर से बता देता हूँ। देखो येलो लाइट के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया है, 10 सेकंड तक चलेगी। ग्रीन वाला 15 सेकंड, मतलब 10 सेकंड के बाद चालू करना है, ग्रीन वाला 15 सेकंड के बाद और रेड वाला 20 सेकंड के बाद आपको स्टार्ट करना है। जैसे मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में तीनों लाइट एक साथ चालू रहती है, फिर क्या करती है कि वो ग्रीन को येलो को चालू कर देते हैं, बाकी ये दो बंद कर देते हैं, फिर ये चालू होता है ये दोनों बंद हो जाते हैं, और लास्ट वाला चालू होता है ये दोनों बंद होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से कितने टाइम के बाद तीनों फिर से एक साथ चालू हो जाएंगे एक साथ? तो इसके लिए आपको महक क्या करना है, एलसीएम या एचसीएफ? सर एलसीएम। इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके मल्टीपल्स कितने? देखो 10 का मल्टीपल्स 15 का मल्टीपल 20 का, क्योंकि ये अपने मल्टीपल के हिसाब से चलेंगे, 10 सेकंड फिर 10 सेकंड फिर 10 सेकंड, यानी 10 के मल्टीपल्स पे चल रहे हैं। ग्रीन लाइट 15-15 सेकंड के साथ चल रही है और 20 वाली 20-20-20 के सेकंड से रेड वाली, तो तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? लोएस्ट कॉमन सबसे पहले तो जीरो है, क्योंकि जीरो सेकंड का एलसीएम। तो एलसीएम आपको ये डिसाइड करना है, एलसीएम लेना है या एचसीएम लेना, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में दिक्कत डाल रहा है बच्चों को, क्या हम एचसीएम लें या एलसीएम लें। समझ आए बच्चों? अब देखो दूसरा क्वेश्चन कंसेप्ट, वापस आना क्या क्या मतलब एलसीएम कैसे आया सर? एलसीएम तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तीनों का एक ऐसा कौन सा मल्टीपल जब तीनों एक साथ जलेंगे, यानी देखो ये 10 सेकंड के बाद जलेगी, फिर सेकंड में 20 सेकंड, फिर 30, फिर 40, 50, क्योंकि उसको सेटिंग दे रखी है। दूसरे वाले 15, 30, 45, फिर 60 इस हिसाब से चलेंगे, तीसरे वाले 20, 40, 60, तो आप देख रहे हो इसका 60, यानी 60, 60, 60 कॉमन मल्टीपल आ गया। ये लगातार 60, 60 मतलब ये लगातार चल रही है, लेकिन 60 ऐसा मल्टीपल है जब तीनों एक साथ आ जाएंगे, 60 सेकंड के बाद तीनों एक साथ जलेंगे। मेरी बात समझ में आई कृष्णा? यस सर। थोड़ा इसको दिमाग लगाना, जैसे अभी एक बुक में भी क्वेश्चन है, एक पार्क है, पार्क के चारों तरफ दो जने रवि और उसका फ्रेंड श्याम, दोनों इसके चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। रवि को इस ग्राउंड को पूरा करने में उसको लग रहा है 20 मिनट और श्याम को इस पूरे को करने में लग रहा है 25 मिनट। दोनों ने एक ही प्लेस से, ये गेट से दोनों ने स्टार्ट किया है, अभी दोनों राउंड मार रहे हैं। आपको पता है रवि की स्पीड ज्यादा है क्योंकि 20 मिनट में कवर कर रहा है, ये 25 मिनट में कवर कर रहा है। दोनों इसी प्लेस पर दोबारा कितने टाइम पर मीट करेंगे वो, मतलब श्याम और रवि ने 0 मिनट पर दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, फिर ये रोटेट कर रहे हैं, लेकिन कितने टाइम के बाद दोनों सेम टाइम पर फिर से मिलेंगे, क्या करेंगे, एलसीएफ या एलसीएम? सर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है वो चेक करना है। ये जैसे पहला रवि है वो 20 मिनट के बाद एक राउंड कंप्लीट कर, फिर 40 मिनट के बाद, फिर 60 मिनट के बाद, 80 मिनट के बाद, 100 मिनट के बाद, और जो श्याम है वो 25, 50, 75, 100, यानी दोनों 100 मिनट के बाद एक साथ।